एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जा दोस्तों, कर्नाटक की 15 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, मतदान भी इसके लिए समाप्त तो हो चुका है। कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है और एक एक सीट का आपको सर्वे दिखाएंगे, आखिरकार किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, क्या बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी या फिर जो जेडीएस कांग्रेस की सरकार पहले थी वो वापसी कर पाएगी। जा दोस्तों, 15 सीटों का क्या है हाल, 15 सीटों का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, 15 सीटों के लिए मतदान भी समाप्त हो चुका है और इसका रिजल्ट जो है 9 दिसंबर को देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले पब्लिक यहाँ पर सर्वे और पब्लिक का अपना यहाँ पर एग्जिट पोल सामने आ चुका है कि कर्नाटक की 15 सीटों के लिए कौन कहाँ से जीत सकता है, क्या यहाँ पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। इससे पहले कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल की 3 सीट और 1 उत्तराखंड की सीट पर भी चुनाव संपन्न हुए, उसके रिजल्ट भी आए थे और पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर टीएमसी ने अपना शासन किया था, एक पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी पहले जीती थी लेकिन 3 सीटें टीएमसी ने जीती थी और उत्तराखंड की 1 सीट जो है वो बीजेपी ने अपने नाम की थी। तो 15 सीटों के लिए क्या कहता है एग्जिट पोल, कर्नाटक की 15 सीटों के लिए जो चुनाव किए गए हैं उनमें अगर बात करें तो बीजेपी ने अपने 13 कैंडिडेट वो कैंडिडेट उतारे हैं जो बागी विधायक थे, जो जेडीएस और कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में शामिल हुए थे वो यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। तो जनता ने किसको यहाँ पर अपना बहुमत दिया है ये आने वाला 9 दिसंबर को तय होगा, लेकिन इससे पहले कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। वर्तमान में अगर बात करें तो कुल 207 विधायक हैं, लेकिन अगर जो 15 विधायक यहाँ पर चुनाव हुआ उसके कारण अब बहुमत का आंकड़ा बढ़ जाता है 112। अगर यहाँ पर बीजेपी 6 सीटें हासिल नहीं करती है इन 15 सीटों में से तो बीजेपी की सरकार गिर जाएगी। भाई कांग्रेस जेडीएस के लिए यहाँ पर 12 विधायक चाहिए, 12 सीटें यहाँ पर चाहिए तब वो वापसी यहाँ पर कर पाएंगे। तो कर्नाटक की लेटेस्ट अपडेट की बात की तो लगभग 37 लाख मतदाताओं ने अपनी किस्मत का फैसला ईवीएम में तय कर दिया है और इन 15 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती है, लगभग 60% यहाँ पर मतदान हुआ है। अगर बात करें तो इन 15 सीटों में से सबसे ज्यादा यहाँ पर जो मतदान किया है चिकबल्लापुरा में सबसे ज्यादा 79% यहाँ पर मतदान किया गया है। इसके अलावा सबसे कम यहाँ पर 37.5% बेंगलुरु में यहाँ पर कुआरपुरम में दर्ज किया गया है। कर्नाटक की अगर बात करें तो उपचुनाव के लिए नतीजे 9 नवंबर को सामने आएंगे। तो कर्नाटक का एग्जिट पोल सामने आ चुका है, पब्लिक का अपना यहाँ पर सर्वे, इस पब्लिक सर्वे के अनुसार यहाँ पर बीजेपी के लिए 4 से 6 सीट जा सकती है, सरकार बच सकती है बीजेपी के लिए, और 8 से 12 सीटें यहां पर कांग्रेस जेडीएस के जो गठबंधन है उसको भी जा सकती हैं। तो कांग्रेस जेडीएस का गठबंधन भी सरकार में वापसी कर सकता है, ऐसे आंकड़े यहां पर निकल कर सामने आए हैं। 10 अन्य के खाते में भी जा सकती है, हो सकता है कि एक भी ना जाए और वो सीट यहाँ पर जेडीएस के खाते में चला जाए। तो ऐसे कुछ बड़े यहाँ पर आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं, ये पब्लिक का अपना सर्वे है और आपके कमेंट के आधार पर तैयार किया जाता है। कई बड़े एक्सपर्ट लोगों की राय ली गई और कई बड़े चैनल का इसमें ओपिनियन शामिल है, इसके आधार पर आपको ये सर्वे दिखाया है। फिर भी आपकी जानकारी की बता रही कि फाइनल आंकड़े आपको 9 दिसंबर को देखने को मिलेंगे और आपको क्या लगता है इन 15 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम का मिलता रहे। चलिए मित्रों, एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।